कोरोना महामारी के चलते जहां मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी वाहवाही लूटने के लिए मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के बिजली बिलों को आधे करने की घोषणा तो की है, पर यह बात धोती साबित हो रही है। विद्युत मंडल के पदाधिकारी आम उपभोक्ताओं को ऐसी कोई योजना का लाभ नहीं मिलने का बता रहे हैं। इस संबंध में खरगोन जिले के टांडा बरूण में विद्युत शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें अत्यधिक मात्रा में आए बिलों को लेकर उपभोक्ताओं ने अधिकारियों से चर्चा की, परंतु उनका बिल कम नहीं हुआ और अपने आवेदन देकर निराश घर लौटे। उधर शासन ने अधिकारी नए नए नियम बताकर उपभोक्ताओं को इस योजना से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। वहीं आम उपभोक्ता विद्युत मंडल के टोल फ्री नंबर पर भी कई बार शिकायतें कर चुके हैं, परंतु कोई भी फोन उठाने के लिए तैयार नहीं। ऐसी परिस्थितियों में बस से बदतर जीवन जी रहा उपभोक्ता आखिर अपनी व्यवस्था लेकर जाए तो जाए कहाँ। उधर मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के JE बघेल का कहना है कि शासन की गाइडलाइन के अनुसार ही हम कार्य कर रहे हैं, जितना बिल आएगा उतना भरना पड़ेगा। सरकार ने घोषणा की है तो आप सरकार के पास ही जाएं। बरूर से रामेश्वर कुमरौत की रिपोर्ट। के यहाँ शिविर लगा है और ये उपभोक्ता आए हैं, इन्हों का कहना है कि अधिक बिल है और आपका कहना है कि बिल पहले भरो उसके बाद निराकरण किया जाएगा, आप क्या कहेंगे सर? देखो, अभी जो भी उपभोक्ता पे आ रहे हैं बिल के, अधिक बिल जिनका आ रहा है वो शिकायत लेके आ रहे हैं, तो अभी क्या है कि जो योजना चल रही है उसमें जो भी छूट देना थी नियमानुसार उनको दे दी गई है 50% के 800 तक के, जो भी एक अभी योजना चाहिए बिल तो यदि नियमानुसार जो भी है छूट उनको दे दी गई बिल में। उपभोक्ता का कहना है कि बिल अधिक आया है और सरकार ने बोला है कि आधा बिल भरना है। जो अभी जो योजना है उसमें जो मार्च का जो बिल है अपना, अप्रैल में जो भरना है, तो लॉकडाउन में जो बिल जिस कारण से अप्रैल में रीडिंग हो पाएगी, तो जो 100 रुपये तक का जो बिल है उसको 50 रुपये भरना है ना, और जो 400 तक का है उसको 50% भरना है, और जो 400 से अधिक है उसको तो कोई योजना का लाभ देना ही नहीं। ये आदेश है सर आगे से? हाँ, योजना अभी चल रही है। क्या नाम है सर? रविंद्र बघेल। भाई साहब, ये आप बिल माफ़ करवाने आए हैं, तो इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, हम लोग ये मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का बिल जमा करने आए थे, लेकिन हाल ही के दिनों में जो अभी लॉकडाउन लगा है उसके बाद से इस कंपनी ने बहुत अंधाधुंध बिल दिए गए हैं। जैसे कि मेरे घर हर महीने बिल जमा किया जाता है जो कि एवरेज बिल 400 से 500 आता है, लेकिन मैं आपको बताऊँ तो मेरे घर का इस बार का बिल 1400 रुपये दिया है, और ये सिर्फ मेरी अकेले की समस्या नहीं है, लगभग हमारा पूरे गांव में और आसपास के कई क्षेत्रों में बहुत सारी जनता का अंधाधुंध बिल ऐसे ही वसूला जा रहा है। अभी हाल ही के दिनों में हमारे मुख्यमंत्री जी स्टेटमेंट देते हैं कि उनका बिल आधा हो जाएगा, लेकिन आप ही सोचिए, उन्होंने बोला है कि 100 से 400 के बीच में बिल आधा होगा, अब आप ही सोचिए, उन्होंने इकट्ठा बिल दे दिया 400 से ऊपर, किसी का 1000 तो किसी का 5000, और ये हमारे इधर काका जी बैठे इनका 9000 रुपये का बिल है। तो आपने इस संबंध में विद्युत मंडल से शिकायत की थी क्या? आज हम हमारे विद्युत मंडल बरूड ग्रिड पे आए हैं, अभी जैसे कि अगर बिल ज़्यादा आया है 400 से ऊपर तो उनका कोई आधा नहीं किया जा रहा है, और इस संबंध में इनसे अगर हम बात करते हैं तो अधिकारी लोगों का कहना है कि ये बिल तो आपको जमा करना पड़ेगा, उसके बाद से कुछ ना कुछ निराकरण होगा। कहने का मतलब कि अगर कोई गरीब किसान लॉकडाउन में चला रहा है, कोई बिजली बिल इतना ज़्यादा दे रहा है, तो वो बताओ पैसे कहाँ से जमा करेगा और उसके बाद उस तरह उसका किस तरीके से निराकरण किया जाएगा। लॉकडाउन समय यहाँ पर सिविल लगा हुआ है, जहाँ पर लिखा हुआ है बिल आपकी जो पुराना बिल है उस पर शिकायत दर्ज की है जो आधा हो जाएगा, इस संबंध में आपने शिकायत दर्ज की है यहाँ पर? शिकायत का तो ऐसा है, जो इनका नंबर दिया है शिकायत वाला वो तो कभी लगता नहीं है, और आज इन्होंने जो शिविर लगाया है, तो मैं तो कहता हूँ शिविर इन्होंने कोई बिल का निराकरण करने के लिए नहीं किया है, ये सिर्फ लोगों को समझा रहे हैं कि बिल आपको किस तरीके से भरना है, या तो किस्त भर देते हैं। अभी हमारे काका के 9000 बिल आए हैं, तो उनको बोला जाता है कि या तो आपको किस्त में जमा कर देते हैं, 9000 तो आपको पूरा भरना ही पड़ेगा। अब आप ही बताइए 9000 रुपये बिजली बिल कैसे भर दे, जिनका कि बिजली बिल 200 से 300 हर महीने आता है, उनका 9000 एक बार में आ गया, 3500 आ गया है, तो कैसे पॉसिबल होगा? ये हमारे भैया बद्रीलाल जी बैठे हुए, ये विकलांग है। तुम्हारे घर का बिजली बिल कितना आता है हर महीने? 200-150 रुपये आता है, और इस बार कितना दे दिया? 2700 रुपये बिजली बिल इनका दे दिया। अब मैं मुख्यमंत्री जी से ही पूछना चाहता हूँ, और बाकी जनता तो सुन ही रही है वीडियो के माध्यम से, ये 2700 रुपये बिजली बिल कहाँ से जमा कर देंगे बताइए? क्या नाम है आपका? गोपाल कुमार राठौर, देवली से हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना।
बिल्कुल भी ना भूलें।